आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में शराब दुकानों का करोड़ों में ठेका होने के बाद भी खुलेआम शराब की अवैध दुकान संचालित की जा रही है। यह दुकान जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैकुंठपुर और सिरमौर मार्ग के बीच उमरी गांव में संचालित की जा रही है। रीवा में संचालित की जा रही शराब की इस अवैध दुकान की यह तस्वीर आप तेज खबर 24 में देख सकते हैं। बोला नोट पे आज पे नहीं बोला क्या आवा 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 इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध रूप से ओपन शराब की दुकान खोलकर शराब की खुलेआम बिक्री की जा रही है। इस अवैध शराब दुकान की तस्वीरों को देखकर आपको यकीन तो हो गया होगा कि किस तरह से शराब की अवैध दुकान संचालित की जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस और आबकारी विभाग इस दुकान से अनजान है। यह कहना बेहद ही गलत होगा कि पुलिस और आबकारी विभाग इस दुकान से अनजान है, बल्कि सच तो यह है कि पुलिस और आबकारी के संरक्षण में ही यह दुकान संचालित की जा रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिछले कुछ दिन पूर्व तक यहां दुकान के सामने एक पंडाल लगाया गया था, साथ ही इस दुकान के सामने कंपोजिट शराब दुकान का बकायदे बोर्ड भी लगा हुआ था, जिसकी यह तस्वीर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि आंधी तूफान के चलते बोर्ड और पंडाल तोड़ गया, लेकिन इस अवैध दुकान में शराब की बिक्री का कारोबार अभी भी जोरों पर है। दरअसल रीवा जिले में शराब की यह ओपन शराब दुकान सिरमौर थाना क्षेत्र के उमरी गांव में सड़क के किनारे संचालित की जा रही है। बताया गया कि इस अवैध दुकान को सिरमौर शराब दुकान की शाखा बताकर चलाया जा रहा है, जबकि आबकारी विभाग में सिरमौर दुकान की कोई शाखा है ही नहीं। ऐसे में यह दुकान कौन और किसके संरक्षण में संचालित कर रहा है, इसका पता लगाना पुलिस और आबकारी विभाग का काम है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या पुलिस और आबकारी विभाग शराब की इस अवैध दुकान को बंद करा पाता है या नहीं। फिलहाल तेज खबर 24 इस तरह की अन्य कई तस्वीरों के साथ फिर हाजिर होगा, जिसमें पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण में शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया जाएगा। तो यह थी रीवा में अवैध रूप से संचालित की जा रही शराब दुकान से जुड़ी हुई खबर, जिसे पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण में चलाया जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए देश खबर 24 में, हम फिर हाजिर होंगे और इसी तरह से आबकारी विभाग के संरक्षण में चल रहे शराब के बड़े काले कारोबार का भंडाफोड़ करेंगे।